गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 27 मई से चल रही खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन 500 मीटर की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत सहगल ने नौकायन पर पहुंचकर खिलाड़ियों की रोइंग प्रतियोगिता देखा। आखिरी दिन 500 मीटर की दूरी के फाइनल मुकाबले के 15 इवेंट में पदकों के लिए रोवर में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। 5 दिन तक चली रोइंग प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने रामगढ़ ताल में बल्ले बल्ले सा नजारा पेश करते हुए महिला व पुरुष दोनों वर्गों में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। दोनों वर्गों में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 12 स्वर्ण पदक जीता, वहीं चंडीगढ़ मोहाली सेकेंड रनर अप बनी। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव खेल व युवा कल्याण ने नवनीत सहगल ने सभी विजयी खिलाड़ियों को स्वर्ण रजत व कांस्य पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, अपर मुख्य सचिव खेल व युवा कल्याण नवनीत सहगल, गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी श्वेता ब्रह्मचारी, मलक सिंह, हरविंद्र सिंह, जिमा दिनेश कुमार ने कहा। खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी के तीसरे संस्करण के आयोजन के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित हुआ था। आज जो लोग विजेता हुए हैं उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है और शुभकामना है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन जो उत्तर प्रदेश को ये अवसर मिला, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के हमारे माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को मैं बहुत ढेर सारा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को और खेल मंत्रालय मेजबानी करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा रेस रोइंग के क्षेत्र में जुड़कर इससे जो है उनको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का उनका मार्ग प्रशस्त होगा। निश्चित रूप से रेस रोइंग के इस प्रतियोगिता में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि रामगढ़ का जो तालाब है इसको हम लोग हब के रूप में विकसित करेंगे, इसको सेंटर स्थापित करके जो है यहाँ जो है नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। इस दिशा में हमारे रेस रोइंग के जो सेक्रेटरी आए हुए उनसे भी वार्ता हुई है, जो इसके अध्यक्ष हैं उनसे भी वार्ता हमने किया है कि इसका आयोजन होना चाहिए। निश्चित रूप से ये रेस रोइंग के क्षेत्र में ये गोरखपुर जो है एक तरह से कहा जाए इसका हब बनना चाहिए और उस दिशा में हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी पहल करके, भारत सरकार से भी पहल करके निश्चित रूप से इसको और भव्य और दिव्य बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल आयोजन हो, जिससे यहाँ के जो है युवा इससे जुड़कर आगे बढ़ सके, आगे जाने में वो कामयाब हो सके। ताल जो है ये एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इसको वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में, और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी खेलों में रोइंग की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई थी। देश भर के 200 यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 400 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे देश से यहाँ आए थे और यहाँ रोइंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब पदाधिकारी भी आए हैं। बहुत लोगों को तो इस पूरे इतने बड़े वाटर बॉडी की, इतने बड़े ताल की जानकारी ही नहीं थी। इस बहाने पूरे देश में ये जानकारी गई है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है जहाँ पर इसे एक
वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही इन संभावनाओं के आधार पर यहाँ की योजना बनानी शुरू कर दी है कि अब ये रामगढ़ ताल को एक पूरे देश के लिए एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाए और जो राष्ट्रीय टीमें हैं उनकी भी यहाँ पर कोचिंग कैंप वगैरह आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। और पर्यटन विभाग इस पूरी जो ये है सेटअप है पूरा जो रामगढ़ ताल के आसपास जो पर्यटन केंद्र बना है, जो नौकायन केंद्र बना है, इसको एक बहुत बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में भी स्थापित करने पर काम कर रहा है ताकि पूरे वर्ष भर यहाँ पर नौकायन होता रहे। नौकायन न केवल फन के लिए हो, नौकायन कंपटीशन के लिए भी होता रहे ताकि ये क्षेत्र जो है एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में उभर के पूरे देश में सामने आए। श्वेता ब्रह्मचारी और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2000 मीटर और 500 मीटर दोनों का ओपन सिंगल स्कल में मेरा गोल्ड मेडल आया है। कितना कैसा लग रहा है गोरखपुर और रामगढ़? जगह बहुत अच्छा है, गर्मी थोड़ा ज्यादा है बट जगह बहुत सुंदर है और अच्छा है। फैसिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है बट इसको मेंटेन करने से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन सकता है तो अच्छा है। फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है यहाँ पे अगर रामगढ़ ताल की बात करें? रामगढ़ ताल ये मेंटेन करना पड़ेगा, अगर मेंटेन किया तो फिर ये जगह एक्चुअली आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हम लोग होस्ट कर पाएंगे। यहाँ के यूथ के लिए क्या कहना चाहती है? वो अच्छा है, मतलब यहाँ पे अगर रोअर्स तो वैसे कम है यूपी से या फिर गोरखपुर से, अगर यहाँ पे रोअर्स और रेगुलर रोइंग स्टार्ट हो जाता है तो ये जगह अच्छा ही रहेगा। श्वेता ब्रह्मचारी। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत खुशी है सर। इससे पहले कौन कौन से प्रतियोगिता आपने गोल्ड जीता? हमने 2 किलोमीटर में पहले गोल्ड था सर मेरा, अब 500 मीटर में गोल्ड है। कैसा आगे तक कुछ नहीं, जोगी जी नूं धन्नवाद कहने जी, सानू इत्थे खेलने के लिए इधर बुलाया। स्वच्छता बहुत बढ़िया थी, रहने को बहुत बढ़िया था और खाने पीने को बहुत बढ़िया था। मलक सिंह। काफी अच्छा लगा, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है गोल्ड जीतना, तो खुशी बता ही नहीं सकते कितनी है हमको, ट्वेंटी गाना ही नहीं है खुशी का। तो अच्छा, काफी अच्छा है, लाइट है यहाँ पे, हल्का पानी है, काफी मतलब अच्छा लगा यहाँ पे रेस करके। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी हो सकते हैं। फिर खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों के लिए ये कहेंगे कि भाई मेहनत करते रहो, सब फल तो जरूर मिलेगा, सब्र रखो थोड़ा सा, यही कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को। तो मेरा हरविंदर सिंह चीमा। मैं आज 500 मीटर में गोल्ड जीता, मैं अभी 2 किलोमीटर में भी गोल्ड जीता मैंने, और मेरे पहले भी जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी उसमें भी मेरे 2 गोल्ड थे और मैं उसी हिसाब से मेहनत करके फिर से गोल्ड पे गोल्ड ले जा रहा हूँ और आगे मैं बहुत अच्छा करूँगा। आगे क्या तैयारी? आगे मेरा ये तैयारी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ बाहर, इसके लिए मैं अपनी जी लगा के मेहनत करूँ। यहाँ का वाटर बहुत ही अच्छा है, यहाँ की जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छी है, यहाँ यूपी गवर्नमेंट आगे चल के यहाँ इंटरनेशनल रोवर्स तैयार करेगी। योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी बहुत अच्छे हैं और यहाँ स्पोर्ट्स बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं योगी जी। मेरा नाम दिनेश कुमार है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हूँ।